सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लकी ब्लॉगर में। दोस्तों, क्या आप लोग 2024 में एक ऐसी बाइक देख रहे हैं जो कि 100cc के अंदर आती हो, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक हो, अच्छा माइलेज, टॉर्क, पिकअप, साथ ही साथ सभी बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड करती हो, वो भी एक बेहतरीन प्राइस के साथ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूँ 100cc की बजाज की तरफ से आने वाली प्लेटिना 100 कम्फर्टेक, जो कि बहुत ही जबरदस्त बाइक है, इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल भी रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है, जो कि आज मेरे सामने अवेलेबल हो गई है। 2024 का न्यू मॉडल है जो कि फुली अपडेटेड है, जिसका आज मैं एक डिटेल रिव्यू वॉक एंड वॉक शूट कर रहा हूं और आप लोगों को इस बाइक के हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं। शुरुआत करता हूं इस बाइक के प्राइस से, जो कि है एक्स शोरूम 67,300 रुपए के अप्रॉक्स में, एंड जो ऑनर प्राइस लखनऊ का वो है 81,000 रुपए के अप्रॉक्स में। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल लुक से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक विंडशील्ड आपको देखने को मिलती है, जो कि प्रीमियम सा लुक प्रोवाइड कर रही है और सॉलिड सी है। उसी के नीचे आपको DRL देखने को मिलती है, जो कि LED यूज की गई है। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन होने के बाद कुछ ऐसी विजिबिलिटी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने पर। एंड इसको मैं बंद कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो देखने पर। कुछ इस साइड्स में आप देखेंगे तो यहां पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रेजेंट करते हैं। साइड से वाइजर पर यूज किए गए हैं। एंड फ्रंट में जो हेडलाइट है वो DC हैलोजन बल्ब के साथ में आती है। शेप आप देख रहे कितना अच्छा सा है। विजिबिलिटी नाइट के टाइम पर बहुत ही अच्छी है। इंडिकेटर्स आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, जो कि पल्सर के यूज किए गए हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट का स्पेस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट का जो व्हील फेंडर है वो डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में देखने को मिलेगा। फ्रंट से ग्लॉसी ब्लैक है, जो कि सॉलिड सा यूज किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। बैक साइड से आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार का पूरा फ्रंट का प्रोफाइल है, जो कि अच्छा लग रहा है। ग्राफिक्स भी यूज किए गए, जिससे बाइक एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए फिर चलते हैं इस बाइक के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से भी आप लोगों को मस्कुलर से लुक देखने को मिलते हैं, प्रीमियम से ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड टैंक की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेटिना की बैजिंग देखने को मिलती है, स्टिकर देखने को मिलता है, ग्राफिक्स यूज किए गए हैं पूरे टैंक के ऊपर। एंड नीचे साइड में देखेंगे तो ग्राफिक्स है। एंड यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग का टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। फाइबर की बॉडी यूज की गई है कुछ इस प्रकार की। एंड बैक साइड में देखेंगे 100 कम्फर्टेक की बैजिंग यूज की गई ग्राफिक्स के साथ में। तो ऐसा है पूरा सेट का प्रोफाइल, जो कि आपको मैंने दिखाया, और ये अच्छा लग रहा है। नॉर्मल है लेकिन सोवर है और लोगों को पसंद भी आता है। तो ये रहा सेट का प्रोफाइल। एंड आ जाते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर से आपको सेम ओल्ड मॉडल के जैसे ही लुक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो टेल लाइट है वो आपको रिंग शेप में देखने को मिलती है, जो कि हेलोजन बेस के साथ में आती है। विजिबिलिटी यहाँ पे भी अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको। इंडिकेटर सेम आपको फ्रंट के जैसे ही देखने को मिलते हैं, फ्लेक्सिबल वाले रिफ्लेक्टर्स हैं, नंबर प्लेट का स्पेस है, रियर का पूरा व्हील फेंडर देखने को मिल जाएगा, फायर बॉडी के साथ में आता है ये भी। तो ऐसा है पूरा रियर का प्रोफाइल, जो कि अच्छा लग रहा है। एंड सेकंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो सेकंड साइड भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस प्रकार का है चारों तरफ का प्रोफाइल। तो चलिए अब चलते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर आपको पूरा एनालॉग में ही मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि अच्छा है, टिकाऊ है, जल्दी खराब नहीं होता, सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं नॉर्मल से। एक बार मैं आपको चाबी दिखा दूँ इस बाइक की, जो कि डुअल की के साथ में आती है। बजाज का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार की चाबी है, और सेंटर में ही आपको चाबी लगाने का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आप देखेंगे तो ऑल चेक लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर आती हैं फ्यूल इग्निशन, बजाज का लोगो है, न्यूट्रल का इग्निशन है, इंजन माल फंक्शन लाइट है, ऑल चेक लाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार की, जैसे कि आपको इग्निशन देखने को मिल रहा होगा। इंडिकेटर की भी इग्निशन है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, जिसकी मैक्स स्पीड 120 की, KM का इग्निशन देखने को मिल जाएगा, और ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है मीटर कंसोल के। एंड क्रोम फिनिशिंग में आपको हैंडल बार देखने को मिलता है, जो कि कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर के साथ में आता है। तो मैं ऑफ कर देता हूं बाइक को। राइट साइड में आपको यहां पर मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि स्पोर्टी है। एंड उसी के नीचे आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच है, सेल्फ का स्विच है, एक अच्छी से ग्रिपिंग देखने को मिल जाती है। सेकेंडरी साइड आपको सेकेंडरी मिरर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऊपर साइड में देखेंगे पासिंग का स्विच है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है, एक अच्छी सी ग्रिपिंग देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें फ्यूल टैंक एरिया के बारे में, तो 11 लीटर कैपेसिटी के साथ में फ्यूल टैंक एरिया देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में आपको फ्यूल कैप देखने को मिल जाएगा। E20 की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि OBD E20 फेस 2 के साथ में टोटली अपडेट कर दी गई है। सिंगल सीट देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल मटेरियल के साथ में बनाई गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड एंड पिलियन दोनों ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको गोल्डन टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, मैट ब्लैक फिनिशिंग है। मैट ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी ग्रिपिंग के साथ में आते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रिप कर सकता है पिलियन। ओवरऑल दोस्तों सीट कंफर्ट, स्विचेस क्वालिटी, जो कि बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, और बेहतरीन सा मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। 102cc का 4-स्ट्रोक DTSI सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन के साथ में आता है, जिसकी मैक्स पावर है 7.9 PS की, जो मैक्स टॉर्क है वो है 8.3 Nm की। दोनों ही मिलकर इंजन को बहुत ही स्मूथली जनरेट करते हैं। OBD E20 फेस 2 के साथ में टोटली अपडेट कर दिया गया है। एंड ऊपर साइड में आपको मैं दिखा दूंगा अभी एक चीज, नीचे आप देखेंगे तो 4 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहां पर आपको फ्यूल इग्निशन का देखने को मिलता है, जो कि ऑन ऑफ के साथ में आता है।
ये कार्बोरेटर वर्जन अभी भी आपको इसमें देखने को मिलता है जो थोड़ा सा हार्ड है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में है। नीचे एग्जॉस्ट कैटेलेटर देखने को मिलता है मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में। सेकंड साइड से मैं आपको दिखाता हूँ इंजन की प्रोफाइल को, तो यहाँ पर आप देखेंगे बजाज का लोगो देखने को मिल जाएगा। सेल्फ एंड किक दोनों के ऑप्शन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। नीचे साइड में रियर के ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर टूल्स हैं लेग गार्ड के नीचे। एंड यहाँ पर सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में ही। एग्जॉस्ट की बात कर ले तो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है, जिसके ऊपर आपको एक काउल देखने को मिलता है जो कि क्रोम ट्रीटमेंट का है, जिससे जो साइड का जो प्रोफाइल है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को देखने पर। तो इंजन आपको अच्छा देखने को मिलता है जिससे माइलेज मिलता है 72 से 75 KMPL का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। फ्रंट में चलते हैं और बात कर लेते हैं ब्रेकिंग पावर के बारे में। तो फ्रंट में आप लोगों को 130 ओम की ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है जो कि एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करती है। एंड फ्रंट में ही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल रहते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कंफर्ट की बैजिंग है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम की भी बैजिंग है, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे डुअल। एंड रियर में हाइड्रोलिक टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक यूज़ किए गए हैं, गोल्डन स्प्रिंग के साथ में आते हैं, ये भी बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल रहते हैं। एंड रियर में भी आप लोगों को 110 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है जो कि सेम एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में बहुत ही अच्छे से ब्रेकिंग पावर को प्रोड्यूस करके देती है। दोस्तों सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग पावर अच्छी देखने को मिल जाएगी जो कि अपडेट कर दी गई है। तो चले आते हैं इस बार फिर से फ्रंट में और बात करते हैं इस बाइक के टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। तो फ्रंट में आप लोगों को ट्यूब वाले टायर देखने को मिलते हैं जो कि जेके की तरफ से आते हैं एंड जिनका टायर साइज है 2.75 × 17 inches के सिल्वर एलॉयज के साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। ग्रिपिंग में आपको दिखा दूँ कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि अच्छी सी ही यूज़ की गई है। एंड रियर में भी आप लोगों को ट्यूब वाले ही देखने को मिल जाएंगे जो कि जेके टायर्स की तरफ से आते हैं जिनका टायर साइज़ है 3.00 × 17 inches के सिल्वर एलॉयज के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं टायर साइज़ सेम ही मैंने आपको बताया एंड एलॉयज आप देख रहे हैं कितने अच्छे से यूज़ किए गए प्रीमियम से, जिससे एक अच्छा लुक आता है। ग्रिपिंग पावर यहाँ पर आपको थोड़ी सी चौड़ी सी देखने को मिलती है, अच्छी से ग्रिपिंग यूज़ की गई है। राइट साइड में आपको लॉन्ग फुट पैड देखने को मिलता है जो कि सिंगल साइज यूज किया गया है राइडर के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं की का प्लेसमेंट है जिससे आप सीट को ओपन कर सकते हैं। सेकंड साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपको फुल फेयरिंग साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, लॉन्ग फुट पैड के साथ में आता है। एंड यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया गया है एंड ये सेकेंडरी साइड का फुट पैड है। यहाँ पीछे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का सिस्टम देखने को मिलता है जिसका इग्निशन मीटर कंसोल में है एंड पूरी चैन कवरिंग के साथ में आती है, फाइबर बॉडी की यूज़ की गई है। सो ओवरऑल दोस्तों कुछ इस प्रकार का है वॉक अराउंड व्लॉग जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया, सभी फीचर्स एंड फंक्शंस भी आपको दिखा दिए। एंड अब मैं फाइनली इस बाइक के बारे में बोलूं तो बाइक बहुत ही अच्छी है, 100 cc के सेगमेंट में आप लोगों को सभी फीचर्स प्रोवाइड करती है, जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।